In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 5, questions. Previous lecture में हमने unit number 5, palm, daffodils के stanzas को हमने discuss किया था, यानी उसकी explanations, reference to context और explanations हमने discuss किया था. और इसी तरह हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ को डिस्कस किया था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया था कि नेचर के बारे में उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. आज हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पाम, यानी इस ये जो पाम हमने पढ़ी है डेफोडिल्स, इसके जो मेन सेंट्रल आइडिया है वो क्या है. तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पाम. इसका आंसर जो है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पाम, यानी इसी ये जो क्वेश्चन है इसी को हमने आंसर के साथ पुट कर देना है. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पाम of the palm is love for nature, is love for nature, is love for nature. जी, यानी इसका सेंट्रल आइडिया है. इसको अगर आप थोड़ा इसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज लव फॉर नेचर विच इज फुल ऑफ वंडरफुल साइट्स, ये देखिए सेंट्रल आइडिया जो है वो ये है, द सेंट्रल आइडिया, यानी आपने इसी क्वेश्चन को आंसर के साथ पुट कर देना है. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पाम इज, यानी ये हमने सारा यहां तक हमने ये जो क्वेश्चन था ये आंसर के साथ हमने पुट किया, इज लव फॉर नेचर विच इज फुल ऑफ वंडरफुल साइट्स, यानी इसका जो मेन आइडिया है वो क्या है, वो नेचर से मोहब्बत और जो क्या है जो हैरत अंगेज नज़ारों से भरपूर है, ये इसका मेन सेंट्रल जो मेन थीम है, ये सेंट्रल आइडिया है वो है इसका. नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पाम, व्हाट डू द डैफोडिल्स represent in the palm. यानी क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पाम, इस नज़्म के अंदर जो फ्लावर्स हैं डैफोडिल्स हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने इस क्वेश्चन को अरेंज करके लिखना है, यानी यहाँ से इसके आंसर में ये क्वेश्चन को जो है ऑफ क्वेश्चन जो है ये हमने आंसर के साथ पुट कर देना है. द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पॉम द एट्रैक्टिव
द अट्रैक्टिव इन एक्साइटिंग इन एक्साइटिंग एट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर ब्यूटी ऑफ नेचर नेचर एंड द इम्पैक्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑफ इट ऑन ह्यूमन बींग्स ऑफ इट ऑन ह्यूमन बींग्स। अच्छा ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पाम, यानी इस पाम में ये जो फ्लावर्स हैं डैफोडिल्स ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आंसर में लिखा होता डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पाम, यानी यही क्वेश्चन लिखा आंसर के साथ। सबसे पहले हमने ये पुट किया क्वेश्चन ऑफ द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी फितरत की पुरजोश और पुरकशिश खूबसूरती को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन ह्यूमन बींग्स, और इसका इंसान जिंदगी के ऊपर क्या असर है, यानी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन इसके एंड पे इस ये जो पाम है इसके एंड पे हमने देखना है जो हमने फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, फिगर ऑफ स्पीच को यानी पर्सनिफिकेशन और सिमिली और मेटाफर, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हमने इसका इसको एनालाइज करना है हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज What wealth do memories of the scene give to the poet। अच्छा ये जो इसने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड के व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ सीन्स गिव टू द पोइट, मंजर की जो यादें हैं, यानी ये लिखा हुआ है सीन्स ऑफ मंजर की जो यादें हैं, वो जो ब्यूटीफुल सीन देखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, मंजर की यादें शायर को किस किस्म की दौलत से मालामाल करती हैं, यानी वो जो सीनरी विलियम वर्ड्सवर्थ ने देखी थी उसके बारे में क्वेश्चन है कि वो किस तरह शायर को जो है यानी मालामाल कर रही हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले हम लिखेंगे इसी क्वेश्चन से द मेमरीज ऑफ द सीन, द मेमरीज ऑफ द सीन ऑफ द सीन of the scene give to the poet the memories of the scene, यानी हमने ये जो आप क्वेश्चन था कि the memories of the give to the poet the wealth of both
यानी वेल्थ ऑफ बोथ द मेमरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट द वेल्थ ऑफ बोथ इमेज एंड फीलिंग कंसर्न्ड टू स्पेशल मोमेंट इन पोएट्स लाइफ अच्छा क्वेश्चन में ये पूछा था कि वो जो यादें हैं वो शायर को जो वो जो मंजर उसने देखा था वो किस तक किस दौलत से मालामाल कर दिया। तो हमने आंसर में लिखा था मेमरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट द वेल्थ ऑफ बोथ द इमेज एंड फीलिंग्स कंसर्न टू स्पेशल मोमेंट्स इन पोएट्स लाइफ यानी द मेमरीज ऑफ द सीन्स गिव टू द पोएट the wealth of both image and feelings concerned to a special moment in poet's life यानी इसके आंसर में है कि जो जो मंजर की यादें हैं वो शायर की ज़िंदगी में ख़ास लम्हात से वाबस्ता फितरत और जज्बात की दौलत से शायर को मालामाल करती हैं। यानी ये जो हमने आंसर लिखा इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये बनती है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये जो है एक कम डिस्कस करेंगे वो डिनोटेशन और कॉनोटेशन के बारे में कि डिनोटेशन और कॉनोटेशन क्या होती है। ये भी लिटरेचर में जो है स्टाइलिस्टिक्स में पार्टिकुलरली यूज होता है डिनोटेशन एंड कॉनोटेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम। Words that heighten the sound effect in the poem यानी ये कहता है कि वो जो सेम जो साउंड्स देते हैं वो उन लफ्ज़ों की हमने उन अल्फाज की जो है हमने एक लिस्ट जो है अलग करनी है। वो हमने देखना है इस ये जो पाम हमने डैफोडिल्स को हमने डिस्कस किया था इसमें हम कुछ ऐसे अल्फाज पढ़े जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी सी तो हम इसकी जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो हमारे पास जो है ये लॉन्ग वॉल्स आ जाएगा ये लॉन्ग वॉल के साथ सी। इसी तरह हम जब कहते हैं बी तो ये हमारे पास जो है लॉन्ग वॉल के साथ आ जाएगा यानी ये सेम साउंड्स दे रहे हैं सी बी इसके अंदर हम लॉन्ग वॉल इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहता है कि इस तरह के कौन से अल्फाज हैं जो सेम जो है ट्रांसक्रिप्शन या प्रोनंसिएशन में सेम साउंड देते हैं। तो वो हमने देखने हैं जिस तरह यहाँ पर हमारा इस पाम में हमने पढ़ा था ट्री
ट्री, इसी तरह था ब्रीज, इसी तरह था शाइन, शाइन था, शाइन के साथ था लाइन, लाइन, और इसी तरह हमारे पास था वे, बे, और ग्लांस और डांस एटसेट्रा। ये हमारे पास जो सेम जो ट्रांसलेशन में ट्रांसक्रिप्शन में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनकी सेम साउंड होती हैं। तो ये जो हमारे पास द साउंड इफेक्ट इन द पाम, ये हमारे पास वर्ड्स है जो हमने पाम में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इस पाम का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, हाउ हैज द पोएट हाइटन्ड द इम्पैक्ट, हाइटन्ड द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द पाम, ऑफ द पाम, ऑफ द पाम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज, बाय यूजिंग फिगरेटिव figurative language। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये लास्ट क्वेश्चन कहता है कि पोएट जो है ये जो फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो जो इम्पैक्ट है उसका असर इस पाम में वो कौन से जो फिगर ऑफ स्पीच हैं यानी लिटरेरी टर्म्स हैं जो पोएट ने इस नज़्म में यूज़ की है यानी इस पाम में यूज़ की है। हमने इसी क्वेश्चन को पुट कर लेना है इस आंसर के स्टार्टिंग पॉइंट में, द पोएट द पोएट हैज़ हाइटन्ड the impact of the palm by using कहता है फिगरेटिव लैंग्वेज। वो हमारे पास कौन से फिगर ऑफ स्पीच है जो इस्तेमाल किया, देखता हमारे पास बाय यूजिंग द सिमिलीज, बाय यूजिंग द सिमिलीज, एक दूसरा जो हमारे पास यूज किया था वो इमेजरी थी और पर्सनिफिकेशन, सिमिलीज इमेजरी एंड पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन इमेजरी एंड पर्सनिफिकेशन, यानी ये जो मेन जो तीन ये थ्री जो टर्म थी ये उसने इनका इस्तेमाल किया था। और इसमें एक और चीज़ थी पर्सनिफिकेशन एंड मेटाफर भी
मेटाफर का भी इस्तेमाल किया था, एंड मेटाफर एंड मेटाफर, मेटाफर का कम इस्तेमाल किया था, लेकिन ज़्यादातर जो इसने इस्तेमाल किया था वो क्या था, सिमिली था, इमेजरी और पर्सनिफिकेशंस, पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल ज़्यादा किया था। फॉर एग्जांपल ही पर्सनिफाइज, फॉर एग्जांपल ही पर्सनिफाइज daffodils, he personifies daffodils, daffodils when he says that daffodils were dancing, अच्छा ये जो हमारे पास क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, इसमें उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच थे, वो कौन सी लिटररी टर्म थी जो कोई भी पोइट है तो वो अपनी पॉम में अपने लिटररी वर्क में इस्तेमाल करता है, यानी अपने वो जो वर्ड्स होते हैं अपने अल्फाज के ज़रिए से किसी भी चीज़ को एलिवेट करने के लिए, तो वो जो उसका इस्तेमाल है वो फिगरेटिव लैंग्वेज कौन सी चीज़ थी, तो हमने देखा था द पोइट हैज़ हाइटन्ड द इम्पैक्ट ऑफ द पॉम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज, पूछता है कौन कौन सी वो टर्म थी, बाय यूजिंग सिमिलीज, इमेजरी एंड पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल किया था, पर्सनिफिकेशन एंड मेटाफर, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ही पर्सनिफाइज डैफोडिल्स व्हेन ही सेज दैट डैफोडिल्स वेर डांसिंग। अब ये जो डांसिंग है ये किसकी क्वालिटी है, ये ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी जब यानी नॉन ह्यूमन बींग को दी जाती है तो वो क्या होता है, वो पर्सनिफिकेशन होती है, तो ये पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल ज़्यादा इसने किया था, मेटाफर बहुत कम किया था, और इमेजरी जो है वो हम आगे देखेंगे कि डिनोटेटिव और कॉनोटेटिव में किस तरह से वर्ड जो हैं कॉनोटेशन और डिनोटेशन में किस तरह वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, ये इमेजरी को इस्तेमाल किया, उसमें हमारे जो फाइव सेंसेस हैं उससे ज़्यादातर ये उससे मुतलका होती है, उससे रिलेट होती है, उससे रिलेटेड होती है ये इमेजरी जो है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे यूनिट नंबर 5, यानी जो हमारे पास पाम थी, पाम टाइटल इज डैफोडिल्स और इसके क्वेश्चन आंसर थे, इससे पहले हमने इसके स्टेंजाज को एक्सप्लेन किया था, उसके बाद जो है वही जो स्टेंजाज को हमने एक्सप्लेन किया था उसी से मतलब का क्वेश्चन पूछे गए, यानी जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है इस पाम का, तो सेंट्रल आइडिया हमने कहा कि ये जो है ये नेचर के बारे में है, और नेचर जिसमें हर तरफ क्या है, विच इज़ फुल ऑफ वंडरफुल साइट्स, हर तरफ जो है हैरत अंगेज खूबसूरत नज़ारे हैं, और जो हमने स्टेंजाज के एक्सप्लेनेशन में इस चीज़ को हाईलाइट किया था। फिर हमने जो डिफ़िकल्ट थिंग थी वो क्या था, वो लिटररी टर्म्स थी, यानी फिगर ऑफ स्पीच थे, वो पर्सनिफिकेशन, मेटाफर्स, इमेजरी एट्सेट्रा, इन सब को हमने डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन उस सिंथल का पूछा गया वो हमने सॉल्व कर लिया। आई थिंक दैट इज़ सफिशेंट for today, okay, Allah Hafiz.